नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश को क्यों मोदक पसंद है और उनको मोदक चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ था। परशुराम जी के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। गणेश जी को दांत टूटने की पीड़ा बहुत हुई। दर्द के कारण वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। इसके बाद भगवान गणेश के लिए कुछ ऐसा बनाने का आदेश दिया गया जिसे वो आराम से खा सके। तब मोदक बनाए गए जिसे खाकर वो अपनी पीड़ा भूल गए और बहुत खुश हुए। इसके बाद से ही गणेश जी के मोदक काफी प्रिय हो गए। लेकिन एक कथा इसके अलावा और सामने आती है और जो कि काफी प्रचलित है। दरअसल एक बार माता पार्वती को देवताओं ने अमृत से तैयार किए गए दिव्य मोदक दिए थे। मोदक देखकर भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश माता से मांगने लगे। इसके बाद माता ने इस मोदक का महत्व उन्हें समझाया। उन्हें वर्णन किया कि इस मोदक गंध से ही भारत प्राप्त होता है। जो भी इसे खाता या सूंघता है वो शास्त्रों का ज्ञाता और सभी कलाओं का जानकार हो जाता है। इसके बाद माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो धर्मचरण के द्वार श्रेष्ठम प्राप्त करते सर्वप्रथम सभी तीर्थ का भ्रमण कराएगा उसी को मैं ये मोदक दूंगी। माता की इतनी बात सुनते ही कार्तिकेय मयूर पर अरुण होकर सब तीर्थ का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन था मूषक, इसीलिए वो तीर्थ का भ्रमण करने में असमर्थ थे। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए पिताजी के पास जाकर खड़े हो गए। इसे देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थ में किया हुआ स्नान, सभी यज्ञों का अनुष्ठान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार और सब प्रकार के व्रत मंत्रों, योग और संयम का पालन, सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए ये सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। इसीलिए मैं ये मोदक गणेश को दूंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश को यदि मोदक चढ़ता है तो वो सबकी मुराद जल्द ही पूरी करते हैं। साथ ही मान्यता है कि मोदक चढ़ाने से व्यक्ति को कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गणेश जी को बूंदी के लड्डू भी अत्यंत प्रिय है। लड्डू का भोग लगाने से गणेश जी व्यक्ति को धन समृद्धि का वरदान देते हैं। तो ये थे हमारे गणेश जी से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य। और भी अनोखी बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।